नमस्कार, मेरा नाम नवनीत कौर है और आज मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ भारत के सबसे उत्तरी प्रांत जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ, मैं जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही खूबसूरत संभाग है जम्मू सूबा, मैं वहाँ से आपसे इस समय बात कर रही हूँ। आज मैं आपसे दो मुद्दों के बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि आज एक बार फिर से देना चाहूँगी दिवंगत जो अभिनेता हैं सुशांत सिंह राजपूत, उनको। आज उनके केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है जहाँ उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश दिए हैं। और ये जो फैसला है उच्चतम न्यायालय का, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक मोहर है न्यायपालिका की कि वो जन आक्रोश जो इस केस में हुआ था, जिस तरह से लोगों के भावनाओं का सैलाब उमड़ के आया था, आखिरकार इस देश का जो न्यायतंत्र है, न्यायपालिका है, वो भी इस जन आक्रोश जन सैलाब के आगे नतमस्तक है। और ये केस दर्शाता है, ये फैसला दर्शाता है कि किस तरह से अगर हम सब भारतवासी इकट्ठे होकर इंसाफ की गुहार लगाएं तो यकीनन हम अपने हर जो है जायज़ मंसूबे में हमेशा कामयाब हो सकते हैं। दूसरा जो मुद्दा है वो पाकिस्तान, जो पड़ोसी मुल्क है। जी हाँ, जब भी पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो हमेशा एक शब्द आता है पाकिस्तान को लेके कि नापाक, जाने इनका नाम पाकिस्तान क्यों रखा गया। पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं वो थमने का नाम तो लेते ही नहीं है। 7 दशकों से भी ज़्यादा समय हो गया है आज़ादी मिले हुए दोनों मुल्कों को, फिर भी जो पाकिस्तान है, हिंदुस्तान के जो सरजमीन है जम्मू कश्मीर राज्य, इसके ऊपर लगातार हमले करता आया है सन 1947 से लेके आज तक। पहले जो हमले थे वो मिलिट्री तरीके से किए गए, चाहे मैं 1947 में कबायली हमला जब हुआ, जब पहली जंग हुई, उसके बाद 65 की लड़ाई की बात करूं, 71 के युद्ध की बात करूं, या कारगिल के युद्ध की। हाल ही में हमने विजय दिवस भी मनाया है, तो हाल कारगिल में हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो है हमारे जो इलाके में थे, पाकिस्तान रेगुलर आर्मी के जो सोल्जर्स थे, वो घुसपैठ उन्होंने किया था। और उसके अलावा सीज़ फायर एंड क्रॉस बॉर्डर वायलेशंस लगातार यहाँ पर होती रहती है, और सिर्फ कश्मीर में ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली जो एक नरेटिव है कि सिर्फ कश्मीर में ही टेररिज्म है, ऐसा नहीं है। थ्रू आउट द LOC जो है, पूरा जम्मू कश्मीर जो राज्य है, केंद्र शासित जो अभी दो प्रदेश है, ये जो है इस पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर का हमेशा से विक्टिम रहा है। लेकिन जब हम ये मिलिट्री एंडेवर्स की मैं बात करती हूँ, जब ये मिलिट्री कवायदों की बात करती हूँ, तो एक फैक्ट जो मुझे लगता है पाकिस्तान को बहुत क्लियर हो चुका है वो ये है कि भारत की जो सशक्त सेना बल हैं, चाहे मैं भारतीय सेना जिनकी प्राइमरली जो मौजूदगी है यहाँ पर उनकी बात करूँ, वायुसेना की बात करूँ, या हमारे समुद्रों में नौसेना या अर्धसैनिक बलों की बात करूँ, इनसे हमेशा पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी है। ये हमने देखा कि पुलवामा के बाद जो था, उड़ी के बाद भी जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, एयर स्ट्राइक्स हुई, किस तरह से हमने पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो इसलिए मिलिट्री ऑप्शंस जो है पाकिस्तान के पास इतना नहीं है। धारा 370 पिछले साल जो थी उसको अमेंड किया गया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है धारा 370, उसको अमेंड करके जम्मू कश्मीर को उसके पर्व्यू से हटा दिया गया। और जैसे ही ये ऐतिहासिक फैसला आया 5 अगस्त 2019 को, एक तरह से जलजला आ गया जो खासतौर पे जो जम्मू कश्मीर में सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी गुट हैं, और जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें एक तरह से अर्थक्वेक आ गया कि ये क्या हो गया। क्योंकि पाकिस्तान की अगर मैं खास तौर पे बात करूँ, उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर मुद्दे को लेकर ही चलती है। हमने देखा है कि किस तरह से कोई भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है कश्मीर के अलावा जो है वो बात ही नहीं करती है। यहाँ तक कि जो वॉनबी पॉलिटिशियंस है, यानी कि जो अपने आप को राजनीति में लाने की कोशिश कर रहे हैं, शाहिद अफरीदी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, और उनके जैसे ही और बहुत से लोग हैं, हर किसी की ज़ुबान पर एक ही राग अलापने लगते हैं, वो है कश्मीर का मुद्दा, क्योंकि यही उनके लिए वोट बटोरने का तरीका होता है। तो जब मैं इनके पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की बात कर रही हूँ कश्मीर को लेके, तो उन्होंने जब धारा 370 का विलय हुआ यहाँ जम्मू कश्मीर में, उसके बाद इन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से गुहार लगाई।
अब उनकी इस गुहार लगाने में, जो यूएनएससी के जो दरवाजे खोलने में मदद की, हमारा एक और पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ भी अभी हमारी भिड़ंत हुई और उनको भी मुंह की खानी पड़ी। मैं चीन की बात कर रही हूँ, जो पाकिस्तान का मैं एलाई तो नहीं कहूँगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरह से चीन जो है पाकिस्तान का एक आका, एक मास्टर है। तो चीन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के एप्लीकेशन की जो सुनवाई है वो करने में मदद की, और ये एक क्लोज डोर मीटिंग थी, इसमें पाकिस्तान और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं शामिल हुए थे। और ये मीटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सन 71 की जंग के बाद ये मीटिंग हुई थी, तो इतने दशकों में कोई इस मुद्दे के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई बहस नहीं किया। लेकिन जो अच्छी बात यह है कि पिछले एक साल से जो हमारी सरकार के जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो लगातार इस मुद्दे को लेके इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो इस मुद्दे के बारे में जो हमारी सरकार जो थी अवगत करा रही थी, तो उन नतीजों की उन जो कवायदें थी उसका नतीजा ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई, जिसमें ना कि भारत की तरफ से कोई प्रतिनिधि था ना पाकिस्तान का था, उन्होंने जो ये फैसला है एक तरह से हिंदुस्तान के हक में दिया है और उन्होंने कहा है कि ये भारत का आंतरिक मामला है और ये आपस में ही सुलझाएं। तो जब पाकिस्तान यहाँ पर भी जब पाकिस्तान फेल हो गया तो इन्होंने एक नई कोशिश की, इन्होंने जो अपनी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल, उनके ऊपर जो है एक उनके साथ गुहार लगाई कि कश्मीर जो है, कश्मीर के जो मुस्लिम हैं वो उन्होंने एक तरह से पोर्ट्रे किया, पाकिस्तान हमेशा पोर्ट्रे करता आया कि भारत जो है एक हिंदू राज्य देश है, हिंदू राष्ट्र है, और भारत जो है यहाँ के मुस्लिम जो हैं बहुत ही दबे हुए हैं, इस तरह का जो झूठ है वो पाकिस्तान हमेशा फैलाता है, और इसी की बुनियाद पे पाकिस्तान ने जो थी OIC से गुहार लगाई। लेकिन इसमें भी हमने देखा कि किस तरह से सऊदी अरेबिया और बाकी जो और इस्लामिक कंट्रीज थे उन्होंने एक बार फिर से हिंदुस्तान का इस मुद्दे के ऊपर साथ दिया। तो जब पाकिस्तान की यहाँ पर भी दाल निकली तो पाकिस्तान ने एक और कोशिश की कि उन्होंने बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है OIC की ट्रेडिशनली लीडरशिप करता आया है, तो बाकी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक पैरेलल जो है लीडरशिप खड़ा करने की कोशिश की इस्लामिक वर्ल्ड में। अब जब हम इतनी बड़ी कवायद की बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल्स की, बिकॉज OIC में 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो इस OIC अपने आप में एक बहुत बड़ी बॉडी है, अगर इस्लामिक वर्ल्ड की मैं बात करूं, उसके अगर पैरेलल आप एक लीडरशिप इंटरनेशनल जो कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान जो हर जगह डिप्लोमेटिकली मुंह की खाता आ रहा है, पाकिस्तान की के बस में ये चीज़ नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इन सब के पीछे कौन है और उसके क्या मंसूबे हैं। तो जब मैं बात करूं तो इन सब के पीछे जो पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी की तरह यूज़ कर रहा है वो है चाइना। चाइना चाहता है सऊदी अरेबिया को काउंटर करना इस्लामिक वर्ल्ड में, क्योंकि चाइना की काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं ढेर सारे इस्लामिक कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पे ईरान की अगर मैं बात करूं। तो यही वजह है कि चाइना चाहता है कि एक पैरेलल जो है इस्लामिक लीडरशिप खड़ी हो, जिसमें सऊदीज जो हैं इतने पावरफुल ना हो। और जिस तरह से पाकिस्तान का एक झुकाव आ रहा है टर्की की तरफ, मलेशिया की तरफ, और ये दोनों वही मुल्क हैं, टर्की की खास तौर पे बात करें, जो भारत के अगेंस्ट डिप्लोमेटिक जो है कवायदें करते आए हैं, कश्मीर मुद्दे के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है। तो आप देखें किस तरह से एक जियोपॉलिटिकल जो है टग ऑफ वॉर चल रहा है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक एजेंडा है वो पाकिस्तान का अपना है। एजेंडा क्या है कि उसका जो भीख का कटोरा है उसमें कोई मुल्क जो है कुछ ना कुछ डालता रहे। पहले सऊदी अरेबिया इतने दशकों से उसको जो है लोन्स देता रहा, उसका एक सरमायादार बन के रहा, और जब पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के खिलाफ ही मुंह खोलना शुरू कर दिया तो सऊदी अरेबिया से उनको अच्छी जो है झड़प मिली है। उन्होंने सऊदी अरेबिया ने कहा कि आप जो है हमारा तकरीबन $6.2 बिलियन का लोन है, उसमें से $3 बिलियन तो वापस करने को बोला है, और बाकी के जो $3 बिलियन हैं वो ऑयल फैसिलिटी जो पाकिस्तान को लोन पे दे रखा है, तब तक पाकिस्तान को तेल मुहैया नहीं करवाया जाएगा जब तक ये $3 बिलियन का जो लोन सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान ने ले रखा है ये लोन जो है पाकिस्तान वापस नहीं करता।
और आखिरकार पाकिस्तान ने क्या किया ये लोन वापस करने के लिए, एक बार फिर से अपना कटोरा उठा के मुंह किया चाइना की तरफ, जिन्होंने पाकिस्तान को $1 बिलियन दिया और पाकिस्तान ने वो $1 बिलियन जो है सऊदी अरेबिया को, और यही वजह है कि बार बार पाकिस्तान जो है कश्मीर का जो है राग अलापना चाहे, बिकॉज अपने मुल्क में अगर वो देखें, चाहे मैं बलूचिस्तान की बात करूँ, वजीरिस्तान की बात करूँ, सिंध की बात करूँ, पश्तून लोगों की बात करूँ, या जो आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है जिसको ये आज़ाद जम्मू कश्मीर बात करते हैं, यहाँ पर मानव अधिकारों की जिस तरह से हनन हुआ है इसका शायद ही इतिहास में कोई बराबरी मिलेगी। इसलिए जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई अपनी जो है पाकिस्तान का अपना कोई स्टेटस नहीं है कि वो इस तरह से ग्लोबल एक लीडर बनकर उभरे, और यही वजह है कि पाकिस्तान इतने दशकों से जो है कश्मीर के मुद्दे को ज्वलंत रखना चाह रहा है, लेकिन अब जो है पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं और ख़ास तौर पे मैं अगर युवा की बात करूं, वो अब जागरूक हैं, सशक्त हैं। जम्मू जो सूबा है हमेशा से, जम्मू के जो डोगरे हैं हम लोग हमेशा से हिंदुस्तान के साथ थे, हिंदुस्तान का झंडा लेकर चले हैं, ये तिरंगा हमारी शान है, इस तिरंगे के लिए हमने जाने कितने ही बलिदान दिए हैं, और वहीं दूसरी ओर कश्मीर का जो युवा है आज वो भी इस तिरंगे के तले खड़ा खुद को महसूस करता है और तिरंगे को अपनी शान जो है मानने लगा है, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा बदलाव है धारा 370 हटने के बाद। इसी के साथ मैं आप सब से विदा लेना चाहूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि कोरोना की इस महामारी में आप सब अपने घरों में सकुशल रहें और सरकार द्वारा निर्धारित जो दिशा निर्देश हैं उनका सही रूप में परिपालन कर जी। धन्यवाद। जय हिंद।